आज का होस्ट मिसेस ज्योइता गुहरा कोलकाता से बोल रही हूँ। सुबह के शुरुआत हम लोग मुस्कुराते हुए करेंगे। हम सब लोग मुस्कुराते हुए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आज का सुबह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग सर से सुनेंगे इस साल का जो ऑफर है उसका स्ट्रेटेजी क्या है और प्लानिंग क्या है। क्योंकि आज जनवरी का 10th डे है, और इसी वक्त में मैं अभी अभी हम लोग सभी प्लानिंग नहीं करेंगे तो पूरा साल हमारे लिए बहुत बढ़िया जाएंगे। अगर नहीं प्लानिंग करेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसीलिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम लोगों को वीडियो ऑन करके और डायरी लेके बैठना है, और वाइट करके वीडियो और फोन को वाइट करके बैठना है। और हमारा जो साथी है सब लोग को हम बुला लेंगे, क्योंकि आज बहुत जरूरी एक बहुत खास होने वाला है ये प्रोग्राम। क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे बिलावे डेमडी सर आएंगे, इसीलिए हम लोग सब एकदम डायरी लेके बैठेंगे। सबको बोलेंगे कि सब लोग बैठो और प्लानिंग सुनो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये ऑफर। क्योंकि ऑफर एक्चुअली ऑफर नहीं है, ये ऑफर है हमारा ग्रोथ करने के लिए, हमारे टीम बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ये टीम वर्क है, टीम के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो टीम बनाने के लिए ये ऑफर है, तो हम लोग अभी देर ना करके सर को बुला लेंगे। प्लीज वेलकम हमारे बिलाव डेमडी सर, मिस्टर अशोक पुलारी सर। प्लीज सर वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच ज्योता मैम, बाय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह की शुरुआत एक जोरदार मुस्कुराहट के साथ, एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। तो एक नए जोश के साथ जो है आज के जून की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज जैसा कि ज्योता मैडम ने बताया कि जो हमारे जनवरी महीने से न्यू ईयर के जो ऑफर चालू हुए हैं उनमें कोई जनवरी में चलेगा, कुछ ऑफर जो है हमारे अप्रैल तक चलेंगे। तो उनके ऊपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की जो जो बात करेंगे उसके ऊपर मैंने एक ऑडियो भी दिया था कि हमने तो एक बात किया था इसके ऊपर 4 तारीख को, लेकिन हम आज आप साथियों से सुनना चाहते हैं और उसको दूसरे साथी भी सुनना चाहते हैं कि आप किस रूप में काम कर रहे हैं, किस रूप में आपने प्लान किया है, क्या क्या ऊपर आप लोग अचीव कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ज्योता मैम ने बोला कि भाई आप जब ज्वाइन करते हैं तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप अगर एक्टिव मोड में बैठे हैं तो वीडियो ऑन करके बैठिए, ठीक है, मोबाइल को अवॉइड करके बैठिए। और दूसरा चीज ये है कि एक हैबिट अपनी लाइफ में रोज लेके आइए कि हमारे हर ग्रुप में जो है हम अपना जो है जूम के लिंक को भेजें, लगातार भेजें। मैं देखता हूँ कुछ साथी बहुत ही शिद्दत के साथ इसको भेजते हैं और उनकी टीम के बहुत सारे साथी इस जूम में आते भी हैं, और जूम के बाद जो है वो मैं देखता हूँ कि उनके बिजनेस में भी एक ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव चीजें आ रही है, नेगेटिव नहीं है, डर नहीं है, फियर नहीं है। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि हम उसी रूप में इस जूम को उतना ही प्रमोट करें जितना कि हम खुद के लेवल पे सोचते हैं, उतना ही हमारी टीम में भी हमें प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेली का एक क्लास हो गया। डेली का अगर हम लोग एक क्लास लेते हैं फिर उसका कुछ ना कुछ सीख के हमारे साथी हमको आगे लेके जाते हैं। इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, घर से बैठ के इसको देखते हैं आराम से, किसी भी व्यक्ति को कोई भी खर्चा नहीं लग रहा है, उसको आराम से देख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो फिर हमारे सेमिनार्स में, हमारे ग्रुप मीटिंग में, हमारे ट्रेनिंग में भी लोगों की संख्या बढ़ती जाती है इससे, क्योंकि धीरे 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 बोलते हैं चेतना का बीज जो है ना, एक चीज बोला जाता है कि चेतना का बीज जो है वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। बीज तो आपने सबने देखा है अंकुरित होता है, बीज जब उसको मिट्टी पानी और हवा तीन चीजें जब मिल जाती है तो अंकुरित हो जाता है, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है। खुद में ही कैपेसिटी है तो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन बीज में कैपेसिटी मौजूद है तो उसको तीन चीजें अगर और मिले, मिट्टी, हवा और पानी, तो वो अंकुरित हो जाता है। तो वो तीनों चीजें ये जूम मीटिंग जो है हमारे उन साथियों के देते हैं जिनके अंदर अपने ड्रीम्स हैं, जिनके अपने सपने हैं। एक कहानी से आज की शुरुआत कर लेते हैं, इस कहानी को मैंने पहले भी सुनाया है, मैं दोबारा से इसको सुना रहा हूं कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो पोर्ट पे काम करता था, जहां पे समुद्री जहाज आते हैं, सामान लेके आते हैं ना, इंटरनेशनल जो ट्रेड चलता है, तो बड़ी बड़ी चीजें यहाँ से वहां जो है ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। तो एक व्यक्ति वहां पे काम करता था, बड़े लेवल पे था, ऑफिसर लेवल पे, तो कोई भी व्यक्ति अगर उनके मिलने जुलने वाला आता तो उसको आराम से वो वहां पे दिखा सकता था कि भाई देखिए ऐसे जो है घूमने के फैसिलिटी होती हैं,
यहाँ उस लेवल तक जा सकते हैं जाके देख के। तो उनके मिलने जुलने वाला एक आदमी जो है बहुत दिन से बोल रहा था मेरे बेटे को कुछ नौकरी दिलाओ उधर में पोर्ट पे, मेरे बेटे को कुछ काम दिलाओ कुछ करो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप भेज दो इनको, तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो उनका बेटा जो है गांव से एकदम देहात से चल के और शहर में पहुंचा, ट्रस्ट पोर्ट जो है वहां पे पहुंचा, तो बंदरगाह पे जिसको बोलते हैं ना, तो बंगाली में शायद इसको बंदर बोलते हैं ना, तो बंदरगाह पे पहुंचा। तो वो व्यक्ति दिखा रहा है कि देखो ऐसे जहाज आते हैं इसमें इस रूप में सामान आता है, फिर ये गोडाउन में जाता है, फिर यहाँ से कस्टम क्लियर होता है, फिर ये हमारे जो बाहर का इलाका है उसमें पहुंचते हैं प्रोडक्ट। तो उसने बोला कि वो क्या है, एक बहुत बड़ा जो जहाज है उसके ऊपर क्या है। तो उसको बताया कि इसके ऊपर रुई लदी है, रुई रुई है ना, कॉटन है, कॉटन। तो ये व्यक्ति क्या था, ये लड़का जो था ये जुलाहे का बेटा था ना, वो रुई को धुनने का ही काम करता है। अभी तो मशीनें आ गई, बहुत आधुनिक मशीनें आ गई, बहुत पतली पतली रजाई आ गई। सर्दी में मैं बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि उनका काम ही था गांव में रजाइयां बनाना लोगों को जो है सर्दियों से बचाने के लिए कॉटन का। तो उसने उससे कनेक्ट हो गया, वो अपने जो काम से आदमी तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आप अगर यहाँ पे बात करें, आपने देखना कि जूता पॉलिश करने वाला ना कभी सर नहीं देखता, आपका फेस नहीं देखता, वो हमेशा आपका जूते की तरफ ही देखता रहता है। और नाई कभी आपका जूता नहीं देखता है, जब भी नाई की दुकान के सामने से निकलोगे अगर वो आपकी तरफ देखेगा वो आपका फेस भी नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, आपके बाल देखेगा, बस उसको बाल ही दिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। मोची को जूता ही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है उसको, कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा नहीं, उसको पैर चलते हुए दिखते हैं करके। तो इसको जैसे ही वो रुई कॉटन की बात आई कि कॉटन इतनी, मतलब जहाज इतना बड़ा था, कितना बड़ा था कि बहुत बड़ा था, एक बस नहीं, दो बस, 50 बस, 100 बस, इतना बड़ा, 100 बस से भी बड़ा इतना बड़ा ढेर था कॉटन का। तो उसको देख के और उसके दिमाग में एक आ गया कि इतनी बड़ी कॉटन, इतनी सारी कॉटन, इसको धुनेगा कौन, इसकी इसकी रजाई कौन बना पाएगा इतनी सारी कॉटन का। और ये लेने आया था नौकरी वहां पे, और इसके दिमाग में यही चीज चलना शुरू हो गई। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने बोला चले, तो इसके मुंह से निकला पर इसको धुनेगा कौन, तो बोला धुन लेगा कोई भी, जिसको होगी ये तो बहुत जगह जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई। अब जब भी उससे कोई भी चीज कोई पूछे भाई चलो इधर करो ये करो उठ जाओ खाना खा लो ये करके, उसके मुंह से एक ही चीज निकले पर उस रुई को धुनेगा कौन। और उसके दिमाग में पूरा इसका दौरा पड़ गया कि उस रुई को धुनेगा कौन, उस रुई को धुनेगा कौन। अब ये आदमी तो बहुत प्रॉब्लम में आ गया, जो ऑफिसर था, कि मैं तो इसको लेके आया था इस काम के लिए कि यार इसको जो है हम लोग ला के जो है कुछ जॉब दिलाएंगे, इसके फादर ने बोला था, ये तो लड़का पागल हो गया है एकदम से। तो उसके दिमाग में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्या करे क्या करे। तो उन्होंने अपने एक साथी से डिस्कशन किया, उन्होंने बोला ये तो बहुत सिंपल बात है। तो उन्होंने उनको कुछ आइडिया समझाया। तो दूसरे दिन ये ऑफिसर अपने घर आया पोर्ट से, बंदरगाह से, और आके उसको बोला भाई एक जबरदस्त खबर है आज के दिन। बोला क्या चीज है, बोला भाई वो जो रुई का भरा हुआ पूरा जो जहाज था ना उसमें आग लग गई है, और वो पूरी की पूरी रुई जल गई है। बोला पूरी जल गई, बोला हाँ पूरी जल गई। और जैसे बोला पूरी जल गई, इस लड़के के दिमाग से पूरी वो निकल गई कि इस रुई को धुनेगा कौन पूरा। दोस्तों मैं ये बात इसलिए बात कर रहा हूं यहां से कि जैसे ही ऑफर आता है ना तो लोगों को लगता है थाईलैंड जाएगा कौन, थाईलैंड जाएगा कौन, लैपटॉप अचीव करेगा कौन, एक्स्ट्रा पीजीबी करेगा कौन। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पोस्टर डाल रहे हैं जो थाईलैंड भी गए थे, जो घूम के भी आए हैं हमारे साथ, जो दुबई भी जा रहे हैं, क्रूज भी जा रहे हैं, जयपुर भी आ रहे हैं, कितने ही सारे पोस्टर। उसका आपको एक दो दिन में और बहुत सारे आएंगे, और उसके बाद में हम कंपाइल्ड करके कंपनी की तरफ से भी डालेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ही लोग जयपुर आ रहे हैं, कितने ही लोग आपका क्रूज ऑफर को लेके आ जा रहे हैं, और कितने ही लोग जो है दुबई जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि हम डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये खुद से पूछना होता है कि हम डिजर्व करते हैं क्या, क्या हम दुबई जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं क्या, क्या क्रूज हमारे 7 स्टार होटल हमारी जिंदगी में भी लिखा है क्या। जब हम सबसे पहले इसको अपने डायरी में लिख देते हैं ना कि यस आई एम द फर्स्ट हु विल गो फॉर द क्रूज, फॉर द थाईलैंड, फॉर द दुबई, तो फिर ऑफर आना शुरू होता है सबसे पहले। तो ये पहली चीज है कि हम
ये ऑफर बने किसके लिए, क्योंकि बहुत सारा साथी जैसे ही ऑफर आता है ना वो बहुत उत्साहित होता है, बहुत भयंकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन कुछ साथी बहुत उदास भी हो जाते हैं कि मेरे लिए इसमें कुछ नहीं, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये रुई मैं नहीं धुनूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी नहीं धुनूंगी। जिसने सोच लिया भाई हम ही धुनेंगे इसको, हम ही मजा करेंगे जाके थाईलैंड, थाईलैंड के दो दो किस्म से आप थाईलैंड को देख सकते हैं। एक है कि उधर से आप लाइव वीडियो करके लोगों को दिखाएं, और एक है कि उधर से लाइव कर रहे लोगों को वीडियो देखें आप, दोनों में से आपकी चॉइस है ना। यही दुबई में था, यही आपके क्रूज ऑफर में है, यही आपके जयपुर ऑफर में था। तो अभी हमारे पास जो है चार ऑफर है, चारों ऑफर को अगर आप एक बार उठा के देखेंगे, कल का जो सेशन हुआ था चेतन जी का बहुत शानदार सेशन था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको ये ऑफर अचीव करने में थोड़ी सी मदद करेगा अगर आपका ड्रीम है तो। उन लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करेगा जिनकी ड्रीम नहीं, जिनका ड्रीम है तो उसमें मदद करेगा। और भी हम कंटिन्यू सेशन बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं लीडर्स की लगातार फील्ड में। तो मैं एक चीज को महसूस कर रहा हूं बहुत जबरदस्त रूप में कि इस जनवरी महीने में अब तक पिछले लास्ट 4 ईयर में जितनी एक्टिविटी इस बार हो रही है पिछले 4 साल में नहीं थी, क्योंकि 2 साल तो कोविड ही था। फिर बहुत सारे लोगों को 2023 में भी लगता था कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, कोविड कब आएगा कब जाएगा, लेकिन कोविड अब जा चुका है, अब वो आ भी रहा है ना तो वो आपके लिए खतरा नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना डेंजर वो नहीं है उसको, उससे दिक्कत होने की दिक्कत क्या है, सपने का मर जाना। पास की एक बहुत बड़ी कविता है कि सबसे खतरनाक काम घर से जाना काम पर और लौट के आना काम से खतरनाक नहीं है, चोरी लाचारी बेगारी भी सबसे खतरनाक तो है, किसी के साथ धोखा खतरनाक तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना, ड्रीम्स ना होना, ये सबसे डेंजरस है। आदमी जिंदा लाश बन जाता है जिसके ड्रीम्स नहीं है, जिसके सपने नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें मेरे सपने क्या है अगर वो आइडेंटिफाइड हैं, और उसमें क्या मैं थाईलैंड जा सकता हूं, अंदर से बोलिए एक बार मैं जाऊंगा ही जाऊंगा जाऊंगी जाऊंगी, एक बार अंदर से बोलिए, तो फिर जो है हम उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू होते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तो उसमें ये जो चार ऑफर की जो लिंक है, चार ऑफर न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, ये 1 महीने का ऑफर नहीं है, ये कनेक्ट करता है 2 महीने आपको आपस में। जब किसी व्यक्ति को हम 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराते हैं तो हमको ये 2 महीने कनेक्ट करता है, तो 600 रुपया उनको कैशबैक आ जाता है जो व्यक्ति नया ज्वाइन किया। और नए व्यक्ति को मैं हमेशा बोलता हूं कि नए व्यक्ति को पहले 4 महीने में अगर आप 20,000 की इनकम करा देंगे, वो व्यक्ति आपके बिजनेस को नहीं छोड़ेगा, वो व्यक्ति आपके बिजनेस का लीडर बन जाएगा। तो आज के दिन में आप स्ट्रेटेजी में कोई चीज मेरी तरफ से अगर लिखना चाहते हैं तो पहली चीज है कि हमारी टीम में नए लोग आए, और उन नए लोगों को हम लोग जो है वो न्यू ज्वाइनिंग ऑफर दिलाएं, और अगर पॉसिबल है अगर संभव है हमको तो हम उनको लैपटॉप ऑफर में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ऑफर कोई पहली बार नहीं आया जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। अगर किसी के पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लैपटॉप ऑफर नहीं अचीव कर सकता ज्वाइन करते हुए ही, तो हम सबसे पहले उन साथियों को हमारी टीम में लिखेंगे इस महीने में, मैं आज 10 तारीख है जैसे, इस महीने में क्या हम कम से कम अब बचे हुए 20 दिन में क्या 30 से 40 प्लान हम हर साथी दिखा सकता है, इस चीज का हम लोग नोट करें। इस चीज को अगर दिखा सकते हैं तो हम न्यू ज्वाइनिंग ऑफर के साथ दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि देखो आपको जो कमीशन आ रहा है वो तो ठीक है 8% 9%, लेकिन इसके अलावा आपको 600 रुपया और आ रहा है, उनकी खुशी में आपकी खुशी कहां पे जुड़ी है, उसको अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ साथी है वो बोलेगा मैं बहुत सारे डायमंड्स की लाइन लगा दूंगा, लगा देंगे आप, लेकिन आप थाईलैंड नहीं जाएंगे, थाईलैंड जाने के लिए खट्टा भी चाहिएगा मीठा भी चाहिएगा फीका भी चाहिएगा तीखा भी चाहिएगा सारी चीज चाहिएगी। तो नए लोग जिनकी टीम में आते हैं, जिस परिवार में बहुत दिन तक बच्चा नहीं आता है ना, बहुत चीजें तो और होती हैं लेकिन एक चिड़चिड़ापन आ जाती है, एक गुस्सा आ जाता है, एक मायूसी आ जाती है, तो हमारी टीम में नए जब साथी आते हैं तो उसको हम इस माइंड से लाएं कि इसको मुझे 4 महीने में 15 से 20 हजार की इनकम करानी है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर से करेंगे। और मेरी टीम में क्या हम जितने भी हमारे साथी हैं उन तक हम डुप्लीकेट कर सकते हैं इस चीज को कि हर साथी आपका 30 से लेके 40 प्लान दिखाई, ये बचे हुए जो 21 दिन है हमारे पास है ना,
10 तारीख को आप छोड़ दीजिए एक बार, तो इसके अलावा जो है आप अगर 10 को जोड़ दें तो 22 दिन हमारे पास होते हैं। इस 22 दिन में क्या हम 40 प्लान दिखा सकते हैं? कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा ये हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन प्लान दिखाना हमारे हाथ में है। आप प्लान दिखाते जाइए, ऑटोमेटिक 20% लोग आपके बिजनेस में आएंगे ही आएंगे, 20% तो आएंगे ही आएंगे, किसी की टीम में 40% भी हो जाता है, किसी का 50% भी रेशियो हो जाता है। जो लोग ठीक ठीक रैंक पे हैं, अच्छे लेवल पे अपने दम पे पहुंचे हैं, मतलब टीम को आगे लेते हुए, वो लोग 50-60% भी इसका रेशियो ले आते हैं। कुछ कुछ लोगों का 70% तक भी रेशियो होता है कि प्लान दिखाया तो जो है ज्वाइन करते हैं लोग, लेकिन हम 20% मान के चलते हैं। तो अगले आपने अगर 40 भी प्लान अगर आपने दिखाए तो भी आपकी टीम में 5-7 लोग ऐसे होंगे जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ शुरू करेंगे, 600 रुपया लेने के लिए शुरू करेंगे। उसका दूसरा फायदा यह है कि ये साथी अगले महीने भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम से करेगा, और अपने साथ वो अगले महीने में एक और साथी को 2000 बिजनेस वॉल्यूम से लेके आएगा, तो जनवरी का काम फरवरी में थोड़ा आसान हो जाएगा। जिन लोगों को आपने अभी ज्वाइन कराया है वो आपके साथ एक टीम के रूप में काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे आसान काम है कि हम हमारी टीम में नई ज्वाइनिंग को बढ़ाएं, सबसे पहले पहला चीज ये करें। दूसरा चीज ये है कि इनमें से कोई साथी को हम लैपटॉप ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बाई फोर्स नहीं करना है, प्रोडक्ट परचेज करके डंपिंग करके, ये मैं गर्व करता हूं कि ये इस जूम को हमने जब से शुरू किया है हमने डंपिंग के ऊपर कंट्रोल किया है। हमने मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, हमारे तक चीजें कई बार नहीं पहुंचती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि 97-98% जो है माई रिचार्ज में आज के दिन में, चाहे वो कोई भी ऑफर अचीव हो रहे हैं, चाहे वो डायमंड क्लब हो रहे हैं, कोई भी चीज हो रहा है, डंप करके नहीं हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि हमने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत सारी ताकत लगाई है, और उसमें आप लोगों ने ताकत लगाई है। हम जो कंपनी जो इस लेवल पे कर रही है, इसको आप अपनी टीम में जाके लोगों ने फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू किया है जाके टीमों में, और ये एक बड़ी चीज है। तो पहला चीज है कि हम हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा लैपटॉप अचीवर और थाईलैंड अचीवर और एक्स्ट्रा पीजीबी भी आए, तो पहला चीज है कि हम नए प्लान दिखाएं। ज्वाइन कौन करेगा कौन नहीं करेगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक रेशियो पकड़ के चलते हैं। लेकिन जब हम जिसको प्लान दिखाएं तो उसको हम ये भी बात करें कि आप अगले 4 महीने में 15 से 20 हजार इनकम करने की सोचते हैं क्या? लाखों की इनकम नहीं होगी, 15 से 20 हजार होगी। इसमें से अगर हम अपनी टीम में अपने दम के ऊपर अगर हम 4-4, 5-5 साथी भी निकाल पाते हैं, तो आप देखिए आपका रैंक, आपका बिजनेस, आपके अचीवमेंट कहां से कहां चले जाएंगे। और ये इंसानी कर रहे हैं, ये माई रिचार्ज में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब थाईलैंड की इस बार जब लिस्ट बनेगी ना, आप देखना पिछली बार जो हम लोग गए थे उससे बहुत ज्यादा लोग जाने वाले हैं। इस बार मैं नहीं बात करूंगा 1 हवाई जहाज, 5 हवाई जहाज, 10 हवाई जहाज, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जो जब लोगों की जब लिस्ट बनेगी उस दिन आप देख लेना इस चीज को कि कितना सीरियसली लोग इसको कर रहे हैं। तो पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि लैपटॉप ऑफर को जब हम कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि डंप तो ना हो जाए, पहली चीज जो है ना। दूसरा चीज है कि उस साथी के अंदर विचलन नहीं होना चाहिए कि वो, कुछ साथी सोचते हैं कि लैपटॉप ऑफर भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा पीजीबी भी हो जाएगा और थाईलैंड भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक पॉइंट पे रखना पड़ेगा कि लैपटॉप ऑफर इनको कराएंगे कि इनको हम थाईलैंड ऑफर कराएंगे, एक ही चीज होती है। एक व्यक्ति का आज बिजनेस है 20,000 टोटल, और वो व्यक्ति अगर ट्राई कर रहा है थाईलैंड ऑफर कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या होगा? डंपिंग होगा। डंपिंग से आपकी ये साथी 4 महीने बाद आपके बिजनेस में नहीं होगा या 6 महीने बाद नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? एक एक व्यक्ति 6 महीने आपके बिजनेस में रहे कि लगातार वर्षों वर्ष रहे? तो इसके लिए जरूरी है उसको वो टास्क दो जिसको वो कर सकता है। थाईलैंड दुबई टूर तो बहुत आते रहेंगे, ये अगर क्षणिक रूप में सोचते तो एज ए कंपनी हमारा तो बिजनेस हो रहा है, तो हम क्यों बात कर रहे हैं कि आप मत कराओ। इसलिए मत कराओ कि आपका फिर मई में बिजनेस नहीं होगा जाके, फिर जून में नहीं होगा। तो उस व्यक्ति को हमको ठोक बजा के देखना है कि इसको लैपटॉप ऑफर कराएं कि इसको थाईलैंड ऑफर कराएं। क्योंकि हर आदमी को जब वीडियो आता है, जब इसके टेस्टिमोनियल लोगों के चलते हैं थाईलैंड ऑफर के, तो हर आदमी लिख देता है थाईलैंड जाएंगे, लेकिन कैपेसिटी तो डेवलप करो।
प्लान दिखाने की कैपेसिटी तो डेवलप करो, प्लान शो करने की कैपेसिटी तो डेवलप करो, प्रोडक्ट का नॉलेज तो उनमें डेवलप करो। अगर ये चीज है तो नए लोग भी थाईलैंड ऑफर कर सकते हैं, बड़ी चीज नहीं है 80,000 BVA। जिस व्यक्ति का थोड़ा एक्सपीरियंस है वो कर सकता है इसको। लेकिन 10 किलो वजन उठाने वाले पे अगर आप 50 किलो रखेंगे ना तो मर जाएगा, वजन तो नहीं लेके जाएगा, मर जाएगा। और मरे हुए लोगों की टीम आगे नहीं बढ़ती है। तो इस चीज को हमें नोट करना है कि लैपटॉप ऑफर मुझे किसको कराना है और किसको नहीं कराना है। तीसरा सबसे बड़ी जो चीज आ रही है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, फरवरी में होगा कि नहीं ऑफर मुझे नहीं पता, लेकिन जनवरी में है, वो है हमारा एक्स्ट्रा PGBV ऑफर। इसमें पहले 3% आता था, हमने दिसंबर से 4% इसमें अलॉट किया, कंपनी ने 1% और एक्स्ट्रा किया है इसके अंदर अलॉटमेंट। और उसका नतीजा ये रहा कि हम इसमें 5,500-6,000 के आसपास सोच रहे थे, लेकिन वो आया है 7,650 समथिंग, है ना, 7,600 समथिंग। तो ये एक्स्ट्रा PGBV हमारी टीम में लगभग लगभग माय रिचार्ज में 1900 1950 के आसपास रॉयल्टी अचीवर, और हर कोई के पास मौका है इसको अचीव करने का। और वो साथी जो अभी अभी रॉयल्टी में पहुंच रहे हैं, पिछले महीने वो रॉयल्टी में तो नहीं थे, लेकिन नए साथी थे, वो 30,000 कर रहे थे, 32,000 कर रहे थे, 35,000 कर रहे थे, 38,000 कर रहे थे, क्योंकि 99,000 नहीं हुआ था। वो साथी भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 65,000 करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा PGBV में कर सकते हैं, 80,000 नहीं करना है वहां पे, 65 करना है। अगर वो ऑलरेडी 30, 32, 35 कर रहा था या 28, 30 कर रहा था, तो वो ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। तो ये ऑफर हमारी टीम में कितने साथी अचीव कर रहे हैं, ये हमारा पहला महीना डिसाइड करेगा हमारे फोर्थ ऑफर के लिए। तो ये कम से कम हम दिलाएं, थाईलैंड ऑफर एक फोर्थ स्टेप बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम जो पहला दूसरा तीसरे स्टेप के जो ऑफर्स बनाए हैं कंपनी ने सिस्टमेटिक ढंग से, हमारी टीम में कितने साथी एक्स्ट्रा PGBV कर रहे हैं, मैं बोलूंगा हर रॉयल्टी अचीवर को इसके ऊपर सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। हर रॉयल्टी अचीवर को 1950 के 1950 जितने भी साथी हैं रॉयल्टी में वो भी, और जो व्यक्ति जो लगभग पिछले 2-3 महीने से इतना बिजनेस कर रहा है कि कभी 28,000, कभी 25,000, कभी 32,000, उन लोगों को भी जो है इसके ऊपर प्लान करना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा PGBV भी ले सकते हैं इस महीने में। लेंगे कैसे, वही उल्टे क्रम में जब जाएंगे, वही 40 प्लान्स हो, वहां से नए ज्वाइनिंग वाले हम लोग साथी खड़े करेंगे वहां से, और अगर हमारी टीम में एक भी लैपटॉप अचीवर हमने खड़ा कर दिया उनमें से, तो ये एक्स्ट्रा PGBV भी आपको आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रेटेजी है, करके आपस में लिंक तीनों को करिए। कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा PGBV भी कर रहा है और उसकी टीम में कोई भी व्यक्ति लैपटॉप नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि एक काल्पनिक बिजनेस वॉल्यूम है, या तो, या फिर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप बहुत सारे लोगों को डायमंड क्लब करा रहे हैं, तो सब तो नहीं करा सकते। तो आप में अगर वो कैपेसिटी होंगे, कुछ साथी जो बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, और गर्व भी होना चाहिए, अगर आप डायमंड क्लब करा सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है, आप लोगों से बात करते हैं उस रूप में और उसको वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन देते हैं जिससे डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है, तो वो साथी भी अचीव करेंगे। तो ये एक पार्ट है। और लास्ट जो पार्ट की जो हम बात करेंगे कि थाईलैंड ऑफर के लिए, तो थाईलैंड ऑफर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये सबके लिए है, उनके लिए जिनकी नींव बन गई, बिना नींव बनाए थाईलैंड जाने की सोचेंगे तो कोई फरवरी में अटक जाएगा, कोई मार्च में अटक जाएगा, कोई अप्रैल में अटक जाएगा, फिर तू तू मैं शुरू हो जाती है टीम में, अच्छा वातावरण नहीं रहता है, और हम लोग यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई झगड़ा करना है, कोई चीज करना है, तो मैं जयपुर की भी जरूरत नहीं है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं वहां से ये चीज मैं कर सकता था, तो अपने पड़ोस में कर सकता। तो हमारा काम किसी से रूठना, मनना, किसी का झगड़ा करना, आलोचना करना है नहीं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हम लोग जब आते हैं तो हम लोग किस कारण से आते हैं, हमारा एक ड्रीम होता है, लोगों की क्वालिटी होती है, एक साथ मिलके चलते हैं। लेकिन 99% लोग जब बिजनेस को छोड़ते हैं तो व्यवहारिक कारणों से छोड़ते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, बोला कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फलां व्यक्ति के व्यवहार से प्रॉब्लम है, मुझे मेरे उस लीडर के इस व्यवहार से प्रॉब्लम है, या ये व्यक्ति ये नहीं करता है सर, व्यवहारिक कारणों से, बिहेवियर के कारण 99% लोग बिजनेस को छोड़ते हैं। तो ये कब बनेगा, जब हम बाई फोर्स थाईलैंड ऑफर कराने की कोशिश करेंगे तब बनेगा इस चीज। तो हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, जिनकी जड़ें मजबूत हैं उनको थाईलैंड ले जाने के लिए प्लान करना है, उसके ऊपर काम करना है। उसके लिए ये तीनों ऑफर अगर आपकी टीम में नहीं होंगे
तो थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कोई थाईलैंड आ जाए हमारे साथ मिले कि सर ना नई ज्वाइनिंग कराई, ना हमने एक्स्ट्रा पीजीबी पे काम किया, ना लैपटॉप ऑफर पे, फिर भी सर अचीव कर लिया, हमने ऐसे 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 लोगों को डायमंड क्लब करा लिया, ऐसे करके बदल बदल के भी करा लिया। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इसको करते हैं और हैबिट को चेंज नहीं करते, जिंदगी भर जैसा 20-22 साल में था ऐसे 40 में है, तो ही मत करिए ना यार, ये आपके व्यक्तित्व को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको एक अच्छा बड़ा लीडर बनने नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कर भला तो हो भला करना, कर भला तो हो भला, खुद अचीव करो, दूसरों को अचीव कराओ, दूसरों को हम अचीव कराएंगे, खुद अचीव करेंगे, इस चीज को करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्लान ही नहीं करेंगे, ड्रीम बिना तो होता नहीं है। इंसान और जानवर में एक ही फर्क है, इंसान और पक्षी में एक ही फर्क है, इंसान ड्रीम ले सकता है, सपने सोचता है इंसान, पशु पक्षी के फर्क नहीं पड़ता उस चीज को, वो सिर्फ अपने रोटी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए जो है चिंतित होता है, इससे आगे नहीं, इंसान उससे बहुत आगे कहीं चिंतित होता है उस चीज को। तो इसलिए मेरा आज का सेशन कुछ खास था नहीं, मैंने इसलिए रखा कि कुछ चीजें हम बात करेंगे, मैं तो आपसे सुनने के लिए बात कर रहा हूँ कि बाकी साथी आपको सुन के उसको फॉलो कर सकें, तो हमारे पास लगभग 35-37 मिनट है, तो वो साथी हैंड रेज करें कि सर हम ऐसे कर रहे हैं इसको, आप कोई खास प्लानिंग कर रहे हैं जिसको दूसरे साथी सुन के भी अपने टीम में लागू करना चाहें उस चीज को, मैं उन साथियों से जो है बात करना चाहता हूँ, और आप क्या टारगेट पे काम कर रहे हो उसके ऊपर आपसे सुनना चाहते हैं, और कोई डाउट अगर है आपका तो आप पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, कोई भी डाउट है आपका तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो साथी जो रॉयल्टी अचीवर हैं, जो सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, सफायर हैं, एमरल्ड हैं, डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, क्राउन हैं, जितने भी हमारे साथी यूसीडी हैं, वो अपनी अगर कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास तो वो बता सकते हैं कि सर हम इस स्ट्रेटेजी पे ऐसे ऐसे हमारे हम काम कर रहे हैं, और ये साथी हमारे हमने डिसाइड कर लिया, इतने साथियों को साथ में हम लोग लेके जा रहे हैं, इस रूप में जो है थाईलैंड लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पीजीबी में लेके जा रहे हैं, हमारे लैपटॉप ऑफर में लेके जा रहे हैं, तो उनसे हम सुनेंगे, कल्पना मैडम से एक बार शुरू कर लेते हैं, फिर बाकी साथियों से भी हम लोग सुनना चाहेंगे। जी जी सर, माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग जी मैम सर। मैंने डिसाइड किया इस महीने में जो ऑफर वगैरह दिए हैं आप, उस ऑफर को अचीव करने के लिए पहला नंबर है कि घर में निकलना है, घर से निकलना है, घर में नहीं रहना, फील्ड में बॉडी को रखना है। तो इसीलिए मैं अभी घर में नहीं हूँ, कलकत्ता में हूँ। कल आए हैं एक दोस्त के घर में मेरे, तो वहाँ पे प्लान भी हुआ है। और दूसरा नंबर में बोलना चाहती हूँ कि आप पहले नंबर में जो बोले हैं कि प्लान शो, इस महीने में जितने दिन रह गए 30 प्लान शो तो होना ही चाहिए। मेरे टीम को भी बोल रही हूँ, वो भी एक जूम मीटिंग में है, और जो साथी है सभी को बोल रही हूँ, जिस ये जो दिन बच गए हैं इस महीने में 30 प्लान शो करेंगे तो उसमें से 15 ज्वाइनिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, 2000 BB करके। तो 30,000 BB हो जाएगा, जिस जिन 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 जिन्होंने जिस रैंक में है, हम जो रैंक में है वहाँ पे जो पीजीबी भी, एक्स्ट्रा पीजीबी भी, और जो थाईलैंड ट्रिप वाला जो ऑफर चल रहा है वो आसानी से हम लोगों ने अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिस्ट बनाया है, मेरे भी और मेरे टीम के कुछ साथी को लिस्ट बनाया, और पर डे कंटेक्ट करके फील्ड में प्लान शो दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। यही स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं सर जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, कितने साथी आपकी टीम में प्लान दिखाते हैं मैडम अभी डेली? सर अभी तो 6 साथी कंटिन्यू बेस प्लान दिखाते हैं फील्ड में, 6 साथी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सुधीर जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर सर इस मंथ का मेरा सीधा प्लानिंग है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है उनको या तो 3000 BB से सीधा ज्वाइन कराओ या सीधा 6000 BB से ज्वाइन कराओ। पूरा अच्छा उसका क्लियर कर देना है लैपटॉप ऑफर के बारे में, कि यदि आप सेम 3000 BB से ज्वाइन करते हैं, अगर ऐसा 10 व्यक्ति को आप ज्वाइन करा लेते हैं पूरे मंथ में, तो आपका लैपटॉप अचीवर होगा। और इसको कंटिन्यू 4 महीना कर लेते हैं तो आपको 15,000 का जो रिवार्ड है वो मिलेगा ही, और आपका इनकम भी बहुत बेहतरीन होगा। उसको हम बारीकी से वहीं पे क्लियर कर देंगे कि आपका 10 ज्वाइनिंग लाते हैं 3000 BB से इनकम क्या होगा, और चौथे महीने में आपका लैपटॉप अचीव भी हो जाएगा।
मैं इसी उद्देश्य पर काम कर रहा हूं और एक्स्ट्रा पीजीबी पे काम कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, तो आपने दो ऑफर को एक साथ कनेक्ट किया तो तीसरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ। आप बोल रहे हैं कि हम न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 3,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम करा रहे हैं, 6,000 से भी जो साथी कर सकता है उसके साथ वो रखते हैं, तो इससे क्या 10 का टारगेट लिया कि 10 साथी को अगर हम 3,000 बिजनेस वॉल्यूम से करा लेते हैं तो हमारा 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसमें लेक का जो कैलकुलेशन है वो तो ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पीजीबीवी में और थाईलैंड टूर में तो आपको जो है कोई लेक का कुछ कैलकुलेशन नहीं देखना है, लेकिन लैपटॉप ऑफर में आपको 6,000 बिजनेस वॉल्यूम एक लेक से, तो 5 लेक इसमें ध्यान रखना है हमको। तो 10 साथी अगर हमारे नए साथी अगर न्यू एक्टिवेशन में अगर आ जाए तो जो जो साथी को हमने एक साथी को लेके चले हैं वो लैपटॉप ऑफर में आ जाएगा, और इन बाकी साथियों को बेनिफिट मिल सकता है न्यू ज्वाइनिंग ऑफर का, तो दोनों को दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो इनके करने से जो है हमारा एक्स्ट्रा पीजीबीवी ऑफर भी जो है अचीव हो जाता है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत बढ़िया है सर। तो कितने साथी आपके अभी प्लान दिखा रहे हैं आपके साथ सर? मेरे टीम में सर अभी 5 लोग प्लान दिखाते हैं सर। 5 लोग प्लान दिखाते हैं आपके बिना, तो 6 साथी आप जो है प्लान दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। और आप एक्स्ट्रा पीजीबीवी को भी अचीव कराने के लिए जो है टीम में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सजन लाल जी आइए एक बार। माय चेंज मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमारा जो फोकस है तो जो हमारे पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई थी 2000 बीबी से, तो जो एक्टिव है उनको डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से मैं 4 ज्वाइनिंग निकलवाने का पूरा पूरा उन पे लगा हूँ, उनके माध्यम 4 ज्वाइनिंग निकले और वो भी 600 रुपए उनके नीचे भी ले, तो इस तरीके से कम से कम हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। और दूसरा है जो पहले हम गलतियां करते थे 600 बीवी या 1250 बीवी, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस कि 2000 बीवी किसी को मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं कराऊंगा, उनके पास मैं समय दूंगा, जो समय देगा मैं उसी के समय दूंगा। और अब कुछ प्रोडक्ट मैं चयन कर रहा हूँ जैसे 5 से 10 प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस वैल्यू हमारा ज्यादा है, 5 प्रोडक्ट या उससे अधिक 10 प्रोडक्ट, इस पर फोकस करूंगा पूरा पूरा। और मैं प्लानर तैयार, इस महीने में प्लानर तैयार करने के लिए जो हमारे नए साथी आ रहे हैं, इस सेमिनार भी में हमारे यहाँ आयोजन हुआ है 20 तारीख को, उसमें नए साथियों को निकालूंगा, उनसे भी न्यू ज्वाइनिंग के विषय में बात करेंगे। और सर जो एक हमारा और क्वेश्चन है कि जैसे 2500 बीबी का 4 लेक में करते हैं कोई, और अगर 2500 वो कर रहा है 1000 रुपए का ऑफर है कि नहीं? वो नहीं, इस महीने में वो ऑफर नहीं है सर, 4 ही ऑफर है सर। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर जो है वो 600 कैशबैक है, वो इस महीने में करेगा, अगले महीने में करेगा और एक अपने डाउन में लेके आएंगे, एक नई ज्वाइनिंग तो 600 आएगा। वो ऑफर तो खत्म हो गया सर 1000 वाला, तो दिसंबर के साथ। हाँ, तो ये एक ही ऑफर है सर। तो आपके और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, बस यही हमारा फोकस है कि हम न्यू ज्वाइनिंग पर पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बात को मैं थोड़ा सा दोहरा देना चाहता हूँ सर। आपने दो तीन चीजें बोली खास चीज, एक तो है कि ये हमारे बहुत सारे साथी मिस्टेक करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेल्टा बून नहीं प्रमोट करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, या तुलसी को प्रमोट नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप 600 बिजनेस वॉल्यूम से जो ज्वाइनिंग कराएंगे ना उसमें भी टाइम आपका उतना ही लगेगा जितना आप 6,000 बिजनेस वॉल्यूम पे लगाएंगे, तो ये होगा कहां से? लेकिन आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा जब आप ये सोच के कि मुझे किसी साथी को 3,000 से 6,000 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन कराना है, तो आपका ड्रेस कोड बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आप एक गरीब मानसिकता के साथ प्लान नहीं दिखाएंगे। तो ये सज्जन लाल जी ने बताया कि भाई हम पहले ये मिस्टेक कर रहे थे, इसको हम चेंज कर रहे हैं। पहली चीज तो कि हम उसको वो छोटा छोटा प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वो छोटे वाले सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वो व्यक्ति लेगा सारे, आपकी चिंता ही नहीं है, वो डेंटाबून भी लेगा, वो छोटा साबुन, ये सब कुछ लेगा। लेकिन आप मूल रूप में व्यक्ति को जब आप दिखाते हैं तो आप बिजनेस दिखाते हैं वहां पर, वहां पर आप सेल्समैन नहीं बनते हैं, है ना? सेल्समैन होना बुरी बात नहीं है, सेल्समैन तो दुनिया में बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं, लेकिन हम प्रमोटर बने बिजनेस के, तो प्रमोट करने के लिए बिजनेस प्रमोट करें, ना कि हम प्रोडक्ट को। तो बिजनेस को जब हम प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट आ जाएंगे, कि हम
ये करते हैं कि भाई हमारा कम से कम 2000 से लेके 6000 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन करें पहला। दूसरा चीज बताया कि भाई इसके लिए हमने सिलेक्शन किया है प्रोडक्ट का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी 150 प्रोडक्ट बना रही है, ये सारे 150 बेचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप वो 30 प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए कि इसके अलावा कुछ नहीं बेचेंगे। हो सकता है आप उसमें से 20 कर लीजिए, हो सकता है उसमें से आप 10 कर लीजिए कि सब बस हम इसी प्रोडक्ट पे बिजनेस करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन किया कि भाई जो अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी देता है और बेनिफिट भी देता है, जैसे हमारा मानगोल हो गया, जैसे हमारा शिलाजीत हो गया, जैसे हमारे जितने भी कैप्सूल कैटेगरी के अंदर आ गए, प्रोटीन आ गए बच्चों का ना, हर घर में चैंप्स को पहुंचना चाहिए, हर हर महिला को। आज अगर आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश बिहार की अगर बात करें और झारखंड की मैं बात करता हूँ, फिर थोड़ा सा कमी आती है इसमें। आप हर 4 में से 3 महिलाओं को एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार की और झारखंड की बात करें तो एक बड़े पैमाने के ऊपर उनको हमारा मानगोल भी चाहिए, उनको हमारा न्यूट्रीबुन विमिन भी चाहिए, उनको हमारा एलोवेरा कैप्सूल भी चाहिए, उनको मोरिंगा गोल्ड भी चाहिए। हर घर में मतलब हर दूसरी नहीं, 4 में से आपको 3 औरतें मिल जाएंगी। ऐसा ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बच्चों में, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप झारखंड के बहुत सारे इलाकों में बच्चों में ये प्रॉब्लम है। न्यूट्रीबून चैंप्स दीजिए, 1 महीने में तो बच्चा ऐसे गज गजा के ऐसे खुशी में उछलने लग जाएगा करके, आपको देख के खुशी हो जाएगी उसको करके। तो उसकी जगह हम क्या देंगे? हम डेंटाबून दे के उसको नहीं कर सकते हैं। हमको क्या देना पड़ेगा? हमको प्रोटीन उनको देना पड़ेगा, उसके लिए हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज कंपनी दे रही है आपको, लगातार दे रही है उसके ऊपर। तो ये दो चीजें इन्होंने बात की। तीसरा है कि मानसिकता की ना, उस मानसिकता को किस रूप में लेते हैं, तो उसको बड़ा जब हम लोग कर लेंगे तो इससे जो है अचीव करते हैं। बहुत शानदार सजन लाल जी, राखी विश्वास आइए एक बार, राखी मैडम, और टारगेट भी बताइए कि कितने कितने लोगों को आप लोग कर रहे हैं ना, तो ज्यादा बेटर हो। जी मॉर्निंग सर, जो जी लोग मैडम, मेरे टीम में ज्वाइन किए हैं उनको न्यू ज्वाइनिंग ऑफर दे रही हूँ, और जो लोग 10-15 हजार बीबी कर रहे थे उनको मैं लैपटॉप ऑफर दिया है, और जो लोग सिल्वर में है तो उनको मैं एक्स्ट्रा पीजीबी करने के लिए बोली हूँ, और मैं खुद भी कर रही हूँ। तो टीम के लिए करते करते यहाँ थोड़ा प्लानर कम है बोल के मैं अपने टीम के टाइम मैंने तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो कल अचीवर मीट था तो उससे पता चला कि जब टीम के लिए काम करूं तब फोन करके मैं अपने होम मीटिंग तय कर दूं ताकि मेरा मेरा भी टीम बढ़े, ऐसे बहुत मैं काम कर बढ़िया रही हूँ। मैम, एकदम क्लियर है कि जो आदमी नया है उसको हम लोग न्यू ज्वाइनी दिलाएंगे, जिसका 10-15 हजार बिजनेस हो रहा है उसको हम लैपटॉप ऑफर में लाएंगे, और खुद जो है हमारा एक्स्ट्रा पीजीपी काम करेंगे। और टीम का डुप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, प्लानर मीट करके प्लानर तो क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक प्लानर आपने 1 महीने में एक भी प्लानर बनाते हैं ना, 20 प्लानर बनाने की जरूरत नहीं है। हर महीने आप अगर एक अच्छा प्लानर बना देते हैं जो लगातार प्लान दिखाए, तो 12 महीने में 12 हो जाएंगे आपको। अगर एक एक आपकी हर लेग पे अगर आप 6 लेग भी मान के चलते हैं, और अगर दो दो होते हैं, तो आप देख लीजिए 1 साल में कहाँ पहुंच जाते हैं। बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी मैम, बहुत शानदार। संगीता बेरा आइए मैम, संगीता मैडम माय रिचेस मॉर्निंग सर। जी। मैम আমার টিমে একজন নিউ জয়নিং অফার তো করছি স্যার, আর হ্যাঁ হচ্ছে একজনকে আমি ল্যাপটপ অফার করাচ্ছি, যেটা জয়নিং করাচ্ছি 3000 থেকে 6000 বিবি এরকম টার্গেট নিয়ে কাজ করছি। একজনকে টার্গেট নিয়েছি স্যার, আর পিজিবিবি बहुत তো হয়ে बढ़िया। যাবে। कितने হ্যাঁ হ্যাঁ लोग नया जो न्यू जॉइनी ऑफर में लगेंगे आप? দুটো তো দুটো তিনটে নিউ জয়নিং করিয়েছি এই জানুয়ারিতে। और लैपटॉप में 1 लाएंगे, হ্যাঁ 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 और আরো आप স্যার अच्छा, প্রোগ্রাম, রোজ প্রোগ্রাম করছি। तो আপ क्या अचीव করেন ম্যাডাম? আবার পিজিবিবি স্যার, एक्स्ट्रा पीजीबी भी अचीव करें, এক্সট্রা পিজিবিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो नई ज्वाइनिंग पे काम कर रहे हैं, एक साथी को लैपटॉप ऑफर दिला रहे हैं, और एक्स्ट्रा पीजीबी पे खुद के लिए काम कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रमेश कुशवाहा जी आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी सर, मैं सर एक व्यक्ति को तैयारी किया हूँ आपके साथ, आपने साथ अपना थाईलैंड के लिए, और 4 व्यक्ति हैं उनको लैपटॉप के लिए तैयारी किया हूँ सर। अच्छा, 4 साथी जी, को आप लैपटॉप ऑफर में लेके आएंगे। हाँ एक्स्ट्रा पीजीबी भी करना है सर ना, और हाँ
अभी अचीव कराना है, थाईलैंड एक साथी को करा रहे हैं, जिसमें से मेरे 9 साथी प्लान कभी अभी प्रेजेंट टाइम कर पा रहे हैं। 9 साथी प्लान करते हैं आपकी टीम में? जी, एक कानपुर से, उधर से हाजी बाबू कर रहे हैं कर्नाटका से, और इधर मेरी बिहार की टीम कैमूर से, इधर राजेश जी हैं, राजेश जी की डाउनलाइन से भी प्लान हो रहा है, और कुछ नए लोगों को भी मैं लाया हूँ, उन लोगों को भी एक्टिव कर दूंगा 5-6 दिन में, और 3-4 प्लानर तैयार कर रहा हूँ, सब वो लोग एकदम एक्टिव हैं। अच्छा, तो कितने नई ज्वाइनिंग का टारगेट ले रखा है आपने टीम में? इस महीने में मैक्सिमम 40 ज्वाइनिंग। अच्छा, 40 ज्वाइनिंग कराएंगे, मैक्सिमम की मिनिमम? नहीं, मिनिमम 40 से कम नहीं होगा सर, इसलिए कि इसमें 3,000 बीबी और 6,000 दोनों छिपा है। मेरा तो 6,000 बीबी का ही प्लान चल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन जो 9 साथी प्लान दिखाते हैं, 40 नई ज्वाइनिंग कम से कम करने का इरादा है, तो उसके लिए कम से कम हमको 200 प्लान के आसपास जो है प्लान करना पड़ेगा। तो अगर रोजाना भी 9 साथी अगर 9 प्लान दिखाएं तो अभी 22 पा रहे हैं ना, तो अभी 200 प्लान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कितने साथी लैपटॉप ऑफर के लिए काम कर रहे हैं? 4 साथी सर, 4 साथी, और आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा पीजीबी और थाईलैंड के लिए काम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और आपने अभी जो हमारा मोबाइल ऑफर था उसको भी अचीव किया, बहुत बढ़िया। दिलीप चेट्री आइए एक बार। मारिता सर, विद द मॉर्निंग सर। जी सर, मैं जिस दिन से ये हमारे जनवरी महीने का जो ऑफर निकला है उस ऑफर को लेकर के मैं अभी फिलहाल फील्ड में हूँ। घर में 1 तारीख को ऑफर सुना, 2 तारीख को बोरिया बिस्तरा बांध के निकला हूँ टीम में। आज अभी भी मैं दिरजू में हूँ, दिरजू बगान में मैं हूँ। तो इस ऑफर को लेकर के मैं काम किया हूँ। लैपटॉप ऑफर में मेरे मेरे टीम से 4 आदमी आएंगे सर, लैपटॉप ऑफर को लेकर के। और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर में हिट दिया हूँ। अभी तक मेरे टीम में न्यू ज्वाइनिंग में 5 आदमी अचीव कर चुके हैं न्यू ज्वाइनिंग में। अभी फिलहाल मैं अपने लिए काम एक्स्ट्रा पीजीबी में मैं जो थाईलैंड ऑफर है उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैचिंग लीग को आज खत्म करके मैं अभी नया लीग में आज से शुरू करूंगा। आने वाला कल से नया लीग में मैं काम करूंगा। तो ये पेमेंट लीग में कल से काम करूंगा, और मैचिंग लीग से दो अभी तो लैपटॉप ऑफर में 2 आदमी अचीव कर चुका है। अच्छा। अभी तक आज और 2 आदमी को करवाना है, एक है पेमेंट लेग से करवाना है और बाकी और एक है वो करेंगे। तो ऐसा करके काम कर रहा हूँ फिलहाल। मेरे टीम में 5 आदमी प्लानर है, ऐसे करके काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं 5 लोग, आपका न्यू ज्वाइनिंग ऑफर अचीव कर चुके हैं कि खुद ने 2,000 बनाया, टीम में भी 2,000 ज्वाइन कराया, तो मतलब ये एक पार्ट कर चुके हैं और अगले महीने 2,000 जिनिस वॉल्यूम खरीदेंगे तो इनका हो जाएगा ऐसा। जी, और लैपटॉप ऑफर में आप बोल रहे हैं 2 साथी अचीव कर चुके हैं, मतलब उनका बिजनेस वॉल्यूम उतना हो गया जो हमको चाहिए 25-25,000। जी जी अच्छा, डायमंड क्लब से हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, चली बहुत शानदार। और घर पे नहीं है ये, लगातार जब से ऑफर आया तब से लगातार जो है फील्ड में है। चंपा खरड़ा मैडम आइए एक बार। चंपा मैडम, मैनेजर मॉर्निंग सर। मैनेजर मॉर्निंग, हम काम कर रहे हैं नए जॉइनिंग के लिए काम कर रहे हैं अभी, और मेरा एक प्लानर तो बन गया और दूसरे साथी को प्लानर बनाएंगे। आपकी टीम में एक प्लानर है आपके बिना, आप प्लान कर रहे हैं, तो आप कोई ऑफर का टारगेट लिए रखा है मैडम आपने? हाँ, न्यू जॉइनिंग के लिए और लैपटॉप ऑफर के लिए काम कर रहे हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम में एक साथी दिखाता है, एक साथी को आप और तैयार कर रहे हैं, और लैपटॉप ऑफर के लिए आप अपनी टीम में जो है एक साथी को तैयार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा मैडम आइए, सुमित्रा शर्मा। मॉर्निंग सर, मैं लास्ट मंथ जिसका डायमंड क्लब कराया था उनको डायमंड में कन्वर्ट करा के उनका लैपटॉप ऑफर अचीव करा रही हूँ, क्योंकि मुझे आसानी हुआ है। वो न्यू डायमंड क्लब 1100 उनको परफॉर्मेंस मिला तो वो खुद अपने आप एक्साइटेड है। और मैं अपने फ्रेंचाइजीज में लीडर्स मीट करा रही हूँ और फील्ड में भी मैं रोजाना निकलती हूँ।
और ज्यादातर मैं लैपटॉप ऑफर के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ सर। और एक साथी मेरे साथ थाईलैंड जाने वाली है। आप थाईलैंड जा रही हैं, आपके साथ एक साथी और जा रही हैं, तो कितने साथी आपके लैपटॉप ऑफर में काम कर रहे हैं? मेरे 5 लोग एटलीस्ट मतलब है सर, 5 साथी जो है लैपटॉप वो ऑफर। पानी फिर भी 5 क्लियर है सर। ठीक है, और पिछले महीने जिनको आपने डायमंड क्लब कराया था तो उन्हीं में से कुछ साथी जो है लैपटॉप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि 900 रुपया उनको मिल गया डायमंड क्लब से, और 200 रुपया क्योंकि वो ऑफर था हमारा तो उसमें एक्स्ट्रा मिल गया, तो 1100 रुपया उनको आ गया। तो उनको बिल्ली बढ़ गया कि भाई मैं अगर थोड़ा अच्छे से काम करें तो और हो सकता है, तो अभी वो इसके ऊपर काम। बहुत बढ़िया। कितने लोग प्लान दिखाते हैं मैडम रोजाना आपकी टीम? मेरे टीम में 4 लोग प्लान दिखाते हैं प्लास्ट में। अच्छा, 5 लोग आप टोटल जो है इसको कर रहे हैं, तो 2 थाईलैंड ऑफर के लिए कर रहे हैं, 5 साथी लैपटॉप ऑफर के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। डेली प्लान करते हैं मैडम? जी सर, जी सर, मैं तो डेली करती हूँ, लेकिन मेरे साथी एक आध दिन मतलब गैप होते हैं, फिर भी वो भी कन्विंस कर रही हूँ कि वो रोजाना निकले फील्ड में। बहुत बढ़िया, उनको भी साथ में लेके आइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। सुमित्रा मैडम आप बहुत शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। बीना मैडम आइए एक बार, बीना सानी मारिचा मॉर्निंग सर। जी। मैंने सर आप इस महीने का टारगेट लिया है कि मैं एक्स्ट्रा पीजीबी भी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं अपने जो नए साथी हैं उनको मैंने न्यू ज्वाइनिंग कराने का टारगेट दिया है, और जो मेरे पुराने साथी हैं उनको मैंने समझाया है लैपटॉप ऑफर करने के लिए। मेरे टीम में 3 साथी का मैंने लैपटॉप अचीव करने के लिए उनका टारगेट सेट कराया है, और ज्यादा से ज्यादा मैं होम मीटिंग पर फोकस कर रही हूँ सर। और ये जितना भी ज्वाइनिंग हो रहा है सर, मैं 2000 3000 से 6000 के अंदर ही मैं कराती हूँ, क्योंकि 2000 BB से कम का होने से ये ऑफर अचीव नहीं होगा। और इसके लिए मैं खुद 2 प्लान दिखाती हूँ, और मेरे टीम से भी 2 प्लान सर हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने प्लान किया है, इसी तरह करके मैं अपनी ऑफर अचीव करूंगी सर। पर डे आपकी टीम से 4 प्लान जो है वो दिखाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पीजीबी पे कर रहे हैं। कितने लैपटॉप ऑफर में कितने साथियों को आप करा रहे हैं मैडम? साथी सर, 3 साथी का मैंने ये टारगेट सेट कराया है, 3 साथी 3 साथी का करेंगे। टारगेट सेट किया है कि वो अपना लैपटॉप ऑफर अचीव करें। बहुत शानदार, आप होम मीटिंग पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार है मैम। लेकिन होम मीटिंग के साथ 1-to-1 मीटिंग होना भी बहुत जरूरी है। होम मीटिंग जो है वो एक अच्छे मीटिंग माहौल को करते हैं। क्रिएट करती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। होम मीटिंग के जैसे रिजल्ट आते हैं ऐसे किस चीज में नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग जो आती है वो 1-to-1 प्लान्स में आती है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि करते होम हैं मीटिंग सर, में तो हम सारी चीज करते हैं, एमओबी करते हैं। बनते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। तो आपने जो है अपना एकदम क्लियर कट जो है बताया कि क्या क्या चीजें आपने रख के काम कर रहे हैं। राखी चौधरी आइए एक बार, राखी मैडम। मॉर्निंग सर। जी मैम, सर सर मेरा तो 2 लेग रॉयल्टी होते हैं, 2 लेग में, जी उसको मैं तो फोकस मैं देती हूँ। मैं मेरा टीम से दो मैं प्लान शो करती हूँ टीम के लिए, और मेरे खुद के लिए दो प्लान शो डेली करती हूँ, इसलिए जी मेरे डेली एवरीडे मेरे 4 प्लान शो हो जाती है। और ये तो मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पीजीबी भी लैपटॉप ऑफर और थाईलैंड ऑफर के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देती हूँ, टीम में दे रही हूँ। और जो नॉन मेरे मेरे टीम में 3 प्लानर है सर, मेरे मेरे को छोड़कर 3 प्लानर है। और सर मैं इसी तरह से मेरे प्लान को सजाया है, दोनों लेग में जो 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 व्यक्ति रॉयल्टी मेंटेन करती है उसको मैं लैपटॉप ऑफर कराऊंगी। तो उसमें से एक एक चुप ठान लिया है कि मैं लैपटॉप ऑफर करूंगी करूंगी, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी है, उसको ज्यादा एफर्ट दे रही हूँ। और जो नॉन रॉयल्टी लेग है उसमें से एक टू को ज्वाइन किया कराया, उसको लैपटॉप ऑफर कराऊंगी, क्योंकि मैं उस नॉन रॉयल्टी लेग में अगर मेरा पीजीबी भी 25,000 पीजीबी भी 25,000 बीबी आ जाएगी, तो मेरा 48,000 का जो एक्स्ट्रा पीजीबी भी है मेरा सफर डायरेक्टर का, वो भी मेरे को हो जाएगी। तो दो दो लोग को मैं लैपटॉप ऑफर करूंगी, एक रॉयल्टी लेग में है और एक नॉन रॉयल्टी लेग में बहुत है। शानदार मैम, आपकी बहुत क्लियर प्लानिंग है कि रॉयल्टी लेग में, क्योंकि सफायर डायरेक्टर हैं आप, और कैसे एक्स्ट्रा पीजीबी भी और ले सकते हैं। एक्स्ट्रा पीजीबी भी जो सफायर लेंगे तो वो थाईलैंड ऑफर भी जो है और चले जाएंगे। इस चीज को हमको ध्यान रख लेना है। अगर आप ऑफर को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो जनवरी में जो सफायर अगर अपना एक्स्ट्रा पीजीबी कर रहे हैं वो मान के चलिए कि वो लोग थाईलैंड ऑफर की तरफ जो है काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार मैम। 4 लोग प्लान दिखाते हैं आपकी टीम में, डेली हाँ दिखाते सर, हैं? हाँ सर, हाँ सर, दिल्ली कर रहे हैं।
डेली प्लान दिखाते हैं, चार लोग जो है प्लान करते हैं, डेली प्लान करते हैं। अगर चार लोग अगर आज से लेके अगर 22 दिन में करें तो लगभग 100 प्लान हो जाते हैं ना, 100 प्लान हाँ और मैम की टीम में जो है होने वाले हैं इस महीने में। तो लैपटॉप ऑफर जो है, एक जो है उनके क्वालिफाइड लेग में और एक जो है वो नॉन बिल्कुल क्वालिफाइड लेग में जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया है आने वाले दिन में। अभी और भी 2-3 दिन है जिनमें हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि 15 से पहले तक जो कर लेंगे वो अचीव करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मैम। तो आइए थाईलैंड में, आपकी आपको जो है स्वागत है। स्वप्ना मैडम आइए एक बार, हस्बैंड वाइफ दोनों ही इनसे सुन लेते हैं थोड़ा सा। जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर जी, जी मैम, আমি টার্গেট নিয়েছি আমার টিমের নতুন দুজনকে ল্যাপটপ অফারটা ওটা করাবো, আর 4 জয়নিং করাবো, তার সঙ্গে আমার পিজিবি হয়ে যাবে। एक्स्ट्रा पीजीबी ऑफर के लिए आप काम कर रहे हैं, एक साथी को लैपटॉप ऑफर के लिए आप काम कर रहे हैं। कितने लोग प्लान दिखाते हैं आपकी टीम में मैम? আমি দুজন দেখাচ্ছি, আমার হাজবেন্ড দুজনকে দেখাচ্ছে, এরকম ভাবে চলছে কাজটা। अच्छा, आप दोनों लोग कर रहे हैं, दो और साथी दिखाते हैं आपकी टीम में। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरजन्या मैम आइए एक बार। मॉर्निंग सर, सर जी मैं मैम, तो एक्स्ट्रा पीजीबी के लिए काम कर रही हूँ, और सर मेरी टीम में मैं टारगेट लिया हूँ कि दोनों को लैपटॉप ऑफर अचीव कराऊंगी। एक रॉयल्टी लेग है, उसमें से वो रॉयल्टी मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके लेग में अगर मैं लैपटॉप ऑफर अचीव कराऊंगी तो वो उसको भी रॉयल्टी मेंटेन हो जाएगी। और सर एक नॉन रॉयल्टी लेग है, उसके उसके भी मैं लैपटॉप ऑफर अचीव कराऊंगी। और सर मेरी तो डेली 1 से 2 प्लान होती है, और सर मेरी टीम में नई प्लानर नहीं है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैं कैसे नई प्लानर तैयार किया जाए, उसके लिए सर मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर रही हूँ सर। और मेरी जो एक्स्ट्रा पीजीबी ऑफर है वो मैं अचीव करूंगी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम। तो ये रोजिना मैम जो है, जूम का हमारा जितना लाइफ है ना, उससे छोटी लाइफ है इनकी माई रिचार्ज के बिजनेस में ना। ये जूम चालू होने के बहुत बाद में इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आज ये रॉयल्टी में हैं। इन्होंने अपना टीम में जो है लैपटॉप ऑफर अचीव करने का प्लानिंग है। इनको चिंता है कि भाई कैसे और डुप्लीकेट हो। मैम जैसे आप डुप्लीकेट होगी ऐसे ही हो जाएगा। हमारा काम है ढूंढना, कोयले में से हीरा मिलेगा, पत्थर में से जो है हमें डायमंड मिलता है। तो हमारा काम है डेली उसको ढूंढना। तो ढूंढते 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 हम वहां पे चले जाएंगे, यही एक फिल्ट्रेशन है। तो आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते रहिए, और एक्स्ट्रा पीजीबीवी ऑफर को लेने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही जो है हम लोग जो है धीरे 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 होते 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 लीडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। भरत पासवान आइए एक बार। जी सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मेरा एक सवाल है, जी। 3000 बीवी से अगर 10 ज्वाइनिंग, 3000 बीवी से अगर 10 ज्वाइनिंग होता है तो उस व्यक्ति का लैपटॉप अचीव होगा ना सर? ये एक आइडिया दिया सुधीर जी ने जो बताया था ना, आपको लैपटॉप ऑफर को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आपका 4 लेग में आपका 6-6 हजार होना चाहिए। तो अगर 4 लेग में आपकी कितनी ज्वाइनिंग हो गई सर, 8 ज्वाइनिंग अगर 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम से हो जाए कम से कम, तो आपका 24 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और खुद ने अगर 3 हजार से कर लिया, फिर आपकी एक 5वीं लेग बचती है जिसमें 1 हजार बिजनेस कम से कम चाहिए, तो ये हो गया। तो 10वें आदमी को भी अगर आपने 9 आप हो गए, 10वें को 5वीं लेग में 3 हजार से अगर करा लिया तो लैपटॉप ऑफर का पहला महीना क्वालिफाई कर लेंगे। फिर इनको अगर हम रिपीट करा लेते हैं आगे, तो इनको न्यू ज्वाइनी ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा अगले महीने। ये खुद का 3000 से वापस कर ले, और अपनी टीम में भी 3000 से वापस एक एक साथियों को ले आए, और उनको अगर हम रिपीट कराते जाएं तो आप बहुत आसानी से जो है इसको कर पाएंगे। तो जो 10 ज्वाइनिंग का जो दिया है उन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया है कि हर लेग में दो दो, तो 6000 हो गया। दूसरी में 6000 हो गया तो 4 लोग हो, तीसरी में 6000 हो गया तो 6 लोग हो गए, चौथी में दो और साथी के, तो 8 साथियों से आपका 24000 हो जाता है। 9वें साथी से आपकी 5वीं लेग में जो है वो आपका जो बिजनेस चाहिए हमको वो हो गया वहां पे, उससे ज्यादा हो गया। और साथ में खुद जो है ज्वाइनिंग नया साथी करता है
तो वो भी जो है उसका 3,000 हो गया। इसको हमको फिर रिपीट करते रखना है आगे। अगर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं 4 महीने तक, तो उनका लैपटॉप ऑफर भी अचीव हो जाएगा, इन सब का न्यू ज्वाइनिंग ऑफर भी अचीव हो जाएगा साथ में। इसको भी ध्यान रखना है कि 600 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है सर। तो स्ट्रक्चर को देखना है सर, आपको सीनियर के साथ बैठना है ये मीटिंग खत्म होते ही, है ना, और इसके ऊपर बात करनी है। सर सीनियर हमारे दूर रहते हैं सर, धनबाद रहते हैं, मैं बिहार में रहता हूँ। अरे सर आप मेरे से जयपुर में बात कर रहे हैं, देखो अभी हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? आप नवादा से बात कर रहे हैं सर, बिहार नवादा से। आप नवादा से बात कर रहे हैं, मैं जयपुर में बात कर रहा हूँ, दूर कहाँ है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल को और जो है अपना दोस्त बनाओ, है ना, सारे जी साथियों सर। को। तो आपके सीनियर अगर सुन रहे हैं तो वो बात कर लेंगे, अगर फिर भी कहीं डाउट होता है कोई नहीं बताए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं, पहले अपने सीनियर फिर और लीडर कोई भी नहीं बताए तो मुझसे बात कर लो। मैं हमेशा, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ सबको, लेकिन पहले आपको चैन नहीं ब्रेक करना है, मतलब सीनियर के थ्रू आना, अगर नहीं कोई कर रहा है तो इसमें मदद करेंगे, ठीक है सर। लेकिन बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हैं भरत पासवान जी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जो सुधीर जी ने बताया है वो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पूनम मैडम आइए एक बार, पूनम सिंह। हाय रिचर्ड, मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं तो मैंने नया ज्वाइनिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ और एक लोग को लैपटॉप ऑफर करवाऊंगी और मैं खुद का पीजीबी भी मेंटेन करूँगी, एक्स्ट्रा पीजीबी भी जो है मेरा रॉयल्टी मेंटेन हो रहा है लेकिन मैं एक्स्ट्रा पीजीबी भी करूंगी। तो इसी तरह मैंने जो मेरे नीचे लोग डाउन में हैं उनको भी मैं नया ज्वाइनिंग के ऊपर करूंगी, मैंने उनका 2 प्रोग्राम करूंगी और खुद का 2 नया प्रोग्राम करूंगी इसी तरह। और मेरे प्लान मतलब मेरी टीम में 2 लोग प्लान मैंने मैंने दिखा लेते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो रहा, सिखा रही हूँ मैं। मेरा एक होम मीटिंग होता है 1 दिन करके घर में, इसी तरह मैं काम कर रही हूँ सर। थैंक यू। वीकली होम मीटिंग होती है मैम ये? हाँ सर, एवरी वीक एक होम मीटिंग अपने घर में ही करते हैं। हाँ, एक मीटिंग हमारे घर में होती है और मैं सीनियर लोग के यहाँ भी जाती हूँ सीखने के लिए, अपनी और टीम फिर को लेके आपकी जाती टीम हूँ। में भी होम मीटिंग होती रहती है अलग अलग सीनियर जी की। जी बहुत बहुत थैंक यू। शानदार, 2 साथी प्लान दिखा पा रहे हैं, उनको और ट्रेंड करिए थोड़ा सा। ट्रेंड कहाँ से होंगे मैम? जितना प्लान दिखाएंगे उतना ट्रेंड हो जाएंगे, है ना, कि प्लान अच्छा कौन सा जो दिखाया गया, खराब कौन सा जो नहीं दिखाया गया। जब 10-15 प्लान हम दिखा लेते हैं हम खुद अच्छे प्लानर हो जाते हैं, डर के आगे एक ही काम है कि हम उसको करना शुरू कर दें। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त पूनम मैम। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देवभूषण जी आइए एक बार। यस सर, माय मॉर्निंग। जी सर। और हम लोग काम कर रहे हैं एक साथ और अभी हमें 2 लोगों को लैपटॉप ऑफर रिसीव करवा रहा हूँ, और ऐसे अच्छा। प्लानर अभी हम लोग का टीम में 3 आदमी हुए हैं हाँ और हमारे साथ में रमेश शाह गौंड जी भी हैं, तो इनको भी मैं लैपटॉप ऑफर रिसीव करवा रहा हूँ। ये भी कुछ अपना बात रखना चाहेंगे। जी बताइए। मैरिज आयुर्वेदा मॉर्निंग जी। सर, मेरा भी ड्रीम है थाईलैंड जाने की, कोशिश तो लग डिजाइन से लग कर रहा हूँ और अच्छा। टीम में भी काफी लोगों का जैनी हो रहा है सर, काफी लोगों का जैनी हो रहा हाँ तो है। इसी और को करते हैं, थाईलैंड तो बहुत आसान है। मैं तो सर 17 तारीख से स्टार्ट किया हूँ, 17 दिसंबर से, और बहुत काफी बढ़िया। फास्ट काम, हाँ तो और और सीखना हमारा सिखाना है। घूमना बहुत पसंद है, इसलिए जा बहुत चार चार लोग हमारा प्रयास है जारी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नंद किशोर पटेल जी आइए एक बार। हाँ सर, नंद किशोर जी बोलिए सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी सर, मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर डायमंड क्लब से, जी और मैं लैपटॉप ऑफर अचीव करूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। प्लान दिखाना आता है सर आपको? अभी सर प्लान मैं सीख रहा हूँ सर, मैं बहुत ही जल्दी सर उसको सीख जाऊंगा। जी बहुत बढ़िया, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बड़ा चीज है कि बहुत जल्दी मैं सीख जाऊंगा। जी जी बिल्कुल सर। तो प्लान सीखना है क्योंकि लैपटॉप अचीव करना है ना सर, वो टीम बना के करना है अपने को, है ना। जी जैसे जी। आपने शुरू किया डायमंड क्लब से शुरू किया, तो हम टीम में जो है, डुप्लीकेट क्या होता है, डायमंड का डुप्लीकेट डायमंड होता है, 600 वाले का डुप्लीकेट 600 होता है। तो आपका अपना कॉन्फिडेंस और ये कि सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा,
ये आज की जूम का मैं समझता हूं कि एक नए जॉइनी के लिए एक जोरदार क्लैपिंग आप सारे साथी कर सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ी चीज है। बहुत शानदार सर, और लैपटॉप ऑफर के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। इला मैडम आइए एक बार। मैं जस्ट मॉर्निंग से जी मैम, मैं डेली दो लोग नया ढूंढती हूँ प्लान दिखाने के लिए, और डेली तो दो प्लान कर रहे हूँ। जो स्मार्ट कंज्यूमर था पहले तो उसको कन्वर्ट कर रहे हूँ, जेगुलो स्टॉप हो गया सेगुलो के रनिंग करा चेष्टा करछी। और क्या है, यही कर रही हूँ सर। डेली दो नए साथियों को जो है प्लान दिखाते हैं, बहुत बढ़िया है। और आपकी टीम में कितने प्लानर, कोई प्लानर है मैडम आपकी टीम में? दो लोग को ट्राई कर रहे हैं उसको रेडी करने के लिए, सिखा रहे हैं दो साथियों दिखा रहे हैं। और हम तो डेली बोले जी, आप तो डेली प्लान दिखा रहे हैं, दो साथियों को तैयार कर, दो प्लान तो दिखा रहे हूँ। नया लोग तो ढूंढती हूँ डेली, दो नया ढूंढती हूँ, और जो दो दो लोग को ट्राई कर रहा हूँ लैपटॉप के लिए, और न्यू जॉइनिंग तो यही मंथ तीन को कर रहे हुई। तीन साथियों को न्यू जॉइनिंग ऑफर कराएंगे और दो साथियों को लैपटॉप कराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या अचीव करेंगे? तो एक्स्ट्रा पीजीबी अचीव करेंगे, एक्स्ट्रा पीजीबी भी खुद अचीव करेंगे, दो साथियों को लैपटॉप ऑफर दिलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। चंदना सेनापति आइए एक बार। मारी चेज आर द मॉर्निंग सर जी। जी मैम, मैं अभी चार लेग में काम कर रही हूँ, छह छह डायमंड क्लब कर रही हूँ, प्लस चालू उनको हमारा लैपटॉप अचीव कर रही हूँ। और सर जी, 12-13 को मेरा होम मीटिंग है, डेमो दिखा के मैं होम मीटिंग कर रही हूँ, यहाँ से डेढ़ डेढ़ घंटा का दूर है। और सर जी, मेरे को चेतन सर ने एक अच्छी चीज देखा के गए है नेक्स्ट में, हमारा यहाँ पर जो होम मीटिंग हुआ था चेतन सर को लेके, तो जो लोग उनको खींच मतलब भूख है उसको हम लोग नहीं दिखा रही है, जो लोग को भूख नहीं है उसको दिखा रही है, तो जो लोग को खिदा है मतलब भूख है वो लोग को लेके हम टीम में बाड़ी सर जी। थैंक यू। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त प्लानिंग। इसके साथ ही जो है हमको आगे बढ़ते रहना है साथियों, टाइम हमको इजाजत नहीं देता है, और भी बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं लेकिन समय हमारा हो गया है। आज आपकी प्लानिंग सुन के जो है बहुत सारी चीजें, अगर हम बात करें तो जो नंद किशोर जी आखिर में बोले कि मुझे प्लान आता नहीं पर मैं सीख लूंगा, डायमंड क्लब से मैंने शुरू किया है और मैं लैपटॉप ऑफर को अचीव करूंगा, इसको हम एक माइलस्टोन मान सकते हैं। इसके अलावा सुधीर जी ने बताया कि 10 जॉइनिंग अगर हम 3000 बिजनेस वॉल्यूम से करा दें तो लैपटॉप ऑफर हम लोग अचीव करा सकते हैं, नए साथियों को भी अगर इस सपने को दिखा दें जो मैंने बात किया था कि 15-20 हजार रुपया अगर आप पहले 4 महीने में किसी की इनकम करा देते हैं तो आपकी टीम के अंदर रहेगा, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही हमारे जो है राखी मैडम ने बोला कि अपना कि कैसे हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने ही सारे साथियों ने जो है अपनी बात को रखा है, लेकिन मैं 3-4 साथियों का इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा जो है और एक्स्ट्रा चीज उन साथियों के लिए है जो करना चाहते हैं, अभी सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है वो साथी भी इसके ऊपर सोच सकते हैं। जितने भी साथियों ने आज बोला है, एक से एक साथी ने जो है, जैसे सजन लाल जी ने बात किया कि भाई हमारी कुछ मिस्टेक्स थी उनको दूर कर रहे हैं हम लोग, कि क्वालिटी के लोगों के बीच जाना है तो खुद को क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको 600 बीवी या वो प्रोडक्ट लेके हम जाएंगे जिनसे कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा बिजनेस, तो हमने चेंज किया है कि साथी जो है कम से कम 2000 से लेके 6000 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन करे और उसके अलावा वो प्रोडक्ट लेके जाए जो प्रोडक्ट बोलता है, जो आदमी जो जो है आदमी को जो है हमारा बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाता है। बहुत शानदार, जबरदस्त। आज की जूम को होस्ट किया हमारे जोयता मैडम ने, वो होस्ट हमारे साथ किशोर शर्मा थे, दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे जो साथी यहाँ पर लगभग 900 के आसपास में देख रहा था, अभी भी 750 से ऊपर साथी हैं तो ज्वाइन किया था यहाँ पर, मैं बोलूंगा 6:25 पे आओ और पूरे टाइम सुनो, धीरे धीरे ये करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे साथी यहाँ पर ठीक से बोलना भी नहीं आता था, वो आज जो है एक्स्ट्रा पीजीबीबी नहीं, यहाँ पर रॉयल्टी में को साथ लेके थाईलैंड टूर पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े सीखते सीखते, ये रोजाना का हमारा गुरुकुल होता है, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। और जो आखिरी बात मैं बोलूंगा, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, क्योंकि इसका फाइनल सॉल्यूशन है कि हम फील्ड में जाके
प्लान दिखाएं और हमारा काम है प्लान दिखाना, कौन व्यक्ति ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है अपॉर्चुनिटी को दिखाना। हमें भी किसी ने ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी को एक दिन दिखाया था। तो आपका दिन मंगल में हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें, लोगों को स्वस्थ बनाते रहें, लोगों के घर में खुशियां बांटते रहें। कल सुबह एक शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे, लेकिन आज का दिन डायमंड क्लब का दूसरे से बारहवें महीने का लास्ट डे है। आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिए कि आपकी टीम में जो भी डायमंड क्लब है वो टाइम से अपना जो है बिलिंग उसकी हो, उनका कंप्लीट हो जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।